नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में 25 करोड़ का 20 पकड़ा गया है। जी हां, वही 20 जिसका एक बूंद आपकी जीभ पर चला जाए तो आपकी जान चली जाए। तो 25 करोड़ का सांप का 20 बरामद हुआ है और ये बरामद हुआ है एसएसबी के द्वारा। एसएसबी ने बुलेट प्रूफ 2 जार में बंद सांप के 20 को जब्त किया है और खबर आ रही है कि टीम ने तस्करी में शामिल 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस 20 की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसबी की 52वीं बटालियन ने खुफिया सूचना के आधार पर ये छापेमारी की है। ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया और नेपाल सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में सिकटी पीरगंज के पास 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए इन युवकों के पास से बुलेट प्रूफ 2 जार में बंद सांप के 20 मिले हैं और 20 को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से टाउन के तस्कर ने सिकटी में डिलीवरी की थी। तो ये बहुत बड़ा मामला है, यानी 20 का कारोबार भी बिहार में बड़े पैमाने पर चल रहा है। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर 20 की सप्लाई क्यों की जा रही थी, किस काम में इसका इस्तेमाल होना था। पकड़े गए तस्कर नरेश यादव और जितेंद्र यादव सिकटी थाना क्षेत्र के दुपहिया मजरख गाँव के रहने वाले हैं। तीसरा तस्कर नरेश यादव फुलकाहा थाना क्षेत्र के मिल्की डुमरिया का रहने वाला है। एसएसबी ने जब्त सांप के 20 और गिरफ्तार तस्कर को वन विभाग के हवाले कर दिया है। एसएसबी की 52वीं बटालियन के कमांडेंट वीरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार सिकटी सीमा पर तैनात सी और डी कंपनी के जवानों ने संयुक्त रूप से पीरगंज इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और पीरगंज के पास बाइक पर सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली तो ये 20 का जार बरामद हुआ। उनके पास से मेड इन फ्रांस का मार्का लगा हुआ या लेबल लगा हुआ सर्प के 20 से भरा 2 जार बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। तीनों तस्कर एक मोटरसाइकिल से 2 जार में 20 लेकर जा रहे थे। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर 20 की तस्करी क्यों हो रही है और किस काम में इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये 20 कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सांप को मार कर 20 निकालने का ये बड़ा रैकेट है और पहली बार इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर सर्प के 20 की बरामदगी हुई है। तो अब जाँच पड़ताल होगी तब पता चल पाएगा कि ये किस सांप का 20 है, कितना जहरीला है और इसका किस काम में उपयोग होने वाला था। क्योंकि जो पकड़े गए तस्कर हैं उनका कहना है कि उन्हें केवल डिलीवरी का काम दिया गया था, उन्हें पता नहीं है कि इस 20 का इस्तेमाल कौन करने वाला था, कहां होने वाला था और किस काम में होने वाला था। लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि सर्प के 20 का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है और इसी वजह से सर्प की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और उनको मारकर उनका 20 निकाला जाता है और इस 20 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। आपको ये खबर जरूरी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।